हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय ट्यूटोरियल्स। मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिशेवल मेकर सेल्फ यूनिक। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है थोड़ा सा स्पेशल वीडियो है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया है कि कोई बच्चा जो कि साइट पर है और बार बार वो सोच रहा है कि मैं ऑफिस के जॉब में मूव करूं, और वो बच्चा जो अभी भी कॉलेज से निकल रहा है वो पहले ही उसको पता चल चुका है कि साइट पर हमको क्या होने वाला है, तो वो ऑफिस जॉब के लिए प्लानिंग कर रहा है। तो कोई भी बच्चा जो ऑफिस जॉब के लिए प्लानिंग कर रहा है या फिर वो खुद की कंसल्टेंसी खोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम खुद का ही सारा काम करें, तो ये उन दोनों डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है। तो वो लोग इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जिनको आप ऑटो कैड स्टैट प्रो में प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें फ्री और पेड दोनों कंटेंट है, जो आपको पसंद आए वो आप उसको लेके यूज कर सकते हैं। सो पहले आप लोग ऐप डाउनलोड करिए। चलिए, थैंक यू, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम सब में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं, चाहे आप चाहे मैं, हम ऑफिस जॉब में अभी नहीं है बट हम चाहते हैं कि ऑफिस जॉब में जाए। तो अब सोचते हैं यार स्टैट प्रो सीखूं या फिर ईटैब सीखूं या फिर रेविट सीखूं, ऐसे कंफ्यूजन में बने रहते हैं कि सेफ सीखूं कि आरसीडीसी सीखूं। तो इस तरीके का माइंड में इतना ज़्यादा पजल बन जाता है, फिर सोचते हैं चलो कुछ तो सीख ही लेते हैं। तो चलो कुछ सीख लिया, अब सपोज आपने सीख लिया स्टैट प्रो और कंपनी में एक ओपनिंग आ गई, ओपनिंग आ गई ईटैब पर। अब आप सोचिए यार, अब तो मैं क्रैक ही नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने तो स्टैट सीखा है, ईटैब आ गया है। और कई कई जगह ऐसा होता है कि मैंने सीखा है ईटैब्स और वहां पर रिक्वायरमेंट है स्टैट की, ओहो अब मैं फिर चलूं स्टैट प्रो सीखूं तुरंत ही। कई कंपनी में ऐसा होता है कि आपको पहले तो लगता है कि मैं स्ट्रक्चर में जाऊंगा, बट जब आप स्ट्रक्चर में काम करने लगते हैं आपको लगता है यार रेविट सीखा होता ना तो रेविट के थ्रू मैं बहुत आसानी से यहां चला जाता, मतलब मैं रेविट में शिफ्ट हो सकता था, मॉडलिंग में शिफ्ट हो सकता था। देखो, मैं ऐसा बोलता हूं कि कभी भी किसी भी काम को बिना किए जज मत करो। सपोज मैं हूं, अब मैं बोलता हूं कि मेरी इंटीरियर डिजाइनिंग अच्छी नहीं है और मैंने खुद कभी इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं किया है, तो ये गलत है कि नहीं है? बिल्कुल है। पहले मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग करना चाहिए, अपने लैपटॉप पे प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर मुझे उसके बाद रियलाइज होता है, 10-15 मॉडल बनाने के बाद रियलाइज होता है, तब वो सही रियलाइजेशन है। जैसे कई कई लोग जज कर देते हैं कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। मैं अपना पर्सनल थोड़ा खाने का एग्जांपल देता हूं। तो मैं जैसे कि सभी लोग क्या खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी ये खाते हैं, मेरे भी घर में सब यही खाते हैं, बट मैं दलिया खाता हूं। मेरा 80% जो फूड है वो दलिया बेस्ड है, 20% में मन किया तो ये सब खा लिया कभी, 80% टाइम में सिर्फ और सिर्फ दलिया खाता हूं। अब मैं बोलूं कि मुझे दाल चावल सब्जी रोटी में कभी खाया नहीं हुआ और मैं बोलूं कि नहीं ये एकदम बेकार है, वो सब दाल चावल सबसे अच्छा दलिया ही, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने दाल भी खाई, सब्जी भी खाई, रोटी भी खाया, चावल भी खाया और उसके बाद दलिया भी खाया, और सब खाने के बाद जज किया कि जो मेरा डाइजेशन सिस्टम है, जो मेरी बॉडी सबसे अच्छे तरीके से ले सकती है, वो दलिया है। तो मैं क्या करने लगा, दलिया पर अपना काम कंटिन्यू कर लिया। तो इसी तरीके से एक मैंने कोर्स भी बनाया आपके लिए, दैट इज कॉल्ड ऑल इन वन। ये कोर्स थोड़ा स्पेशल है क्योंकि मेरे यहां पर है कि मैंने पूरा का पूरा मैं खुद इसको डिजाइन किया हूं। अप्रॉक्स 300 आवर्स, 300 घंटे से ज्यादा का लेक्चर है ये, और इतने डीप में गया हूं कि हर एक सॉफ्टवेयर पर लाइव प्रोसेस करके कैसे सबमिट करना है वहां तक। अब ये आपको तब पता चलेगा जब आप सिलेबस देख लोगे। पहले तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका सिलेबस देख लो, क्योंकि बहुत ब्रॉड है, मैं अगर एक्सप्लेन करने लगूंगा तो अप्रॉक्स मुझे लगता है आधे घंटे सिर्फ और सिर्फ सिलेबस बोलने में जाएगा। तो आप पहले उसको सिलेबस को डाउनलोड करके देख लीजिए। इतना बोलूंगा कि हर एक सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर का हम लोग यहाँ पर लाइव प्रोजेक्ट किए हैं और लाइव प्रोजेक्ट करके बताया है कि कैसे सबमिट करना है, चाहे वो स्टैट प्रो हो, चाहे फिर ईटैब हो, चाहे स्टैट फाउंडेशन हो, चाहे आरसी डिजाइनर हो, चाहे आरसीडीसी हो, चाहे ईटैब हो, चाहे सेफ हो, चाहे रेविट आर्किटेक्चर हो, चाहे रेविट स्ट्रक्चर हो, चाहे रेविट एस्टिमेशन हो, चाहे फिर ऑटोकैड हो, सबको मिला के हमने एक ऑल इन वन कोर्स बनाया है। इसका एम ही यही था कि बिना खाए कैसे जज कर लें कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। कई ढेर सारे ऑफिस वाले बच्चे सोचते हैं ना, साइड वाले बच्चे सोचते हैं कि मुझे ऑफिस में जाना है, किस पर जाऊं? चेक करो इंटरेस्ट किस में आ रहा है। तो मैंने मैनुअल के लिए भी, एक्सेल भी, अब चाहे कंपनी में मैनुअल का अगर वहां पर जरूरत है तो मैनुअल भी मैंने डाल दिया है, एक्सेल का जरूरत है वो भी मैंने डाल दिया है, अगर उनको जरूरत है कि आरसीसी का मेंबर्स की डिजाइन कैसे करेंगे स्टैट प्रो पे वो भी दे दिया है, ईटैब पर कैसे करेंगे वो भी दे दिया है, अब एस्टिमेशन कैसे करेंगे रेविट में वो भी दे दिया है।
मॉडलिंग कैसे करेंगे, रेविट आर्किटेक्चर वो भी दे दिया है, स्ट्रक्चर में डिटेलिंग्स करने को भी दे दिया है। तो मतलब ऑल इन वन में मैंने कोशिश की है कि कुछ भी ऐसा न हो जो कि बच जाए। अब ये कोर्स उनके लिए भी यूजफुल हो सकता है जो लोग सीखे हुए हैं बट कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। मुझे बहुत से बच्चे बोलते हैं सर मैंने सारे कोर्स किए हुए हैं बट कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। भाई इसमें लाइव प्रोजेक्ट्स हुआ है, आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आएगा जब आप लाइव प्रोजेक्ट्स को देखोगे। तो दूसरी एक चीज है, ये मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यह उद्देश्य था कि मैं आप तक सारे कंटेंट बता पाऊं कि क्या क्या चीजें मैंने इसके अंदर इनबिल्ट किया हुआ है। ऑटोकैड सिर्फ ऑटोकैड नहीं, ऑटोकैड में मैंने लगभग 30 आवर्स लगा के बिल्डिंग बाय लॉ, रेरा के रूल्स, सारे वास्तु के रूल्स सब कुछ एक्सप्लेन किया है। स्टैट प्रो में जहां तक हो सकता था वहां तक स्टैट प्रो को लेके गए हैं। ई टैब में डायनेमिक एनालिसिस, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस, स्पीड डेल्टा एनालिसिस, एवरीथिंग विल इंक्लूड इन दिस लेक्चर। पूरा का पूरा सिलेबस आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसको डाउनलोड करो। अब इस कोर्स की थोड़ी खासियत बता देता हूँ। सबसे बड़ी खासियत यह है कि मैं मंडे टू फ्राइडे डाउट लेक्चर लेता हूँ 10 to 10:30, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग लेक्चर है। अब इस लेक्चर का एक दूसरा बेनिफिट बता देता हूँ कि ये लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है, तो उससे बेनिफिट क्या हुआ, आपकी जैसे ढेर सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसकी भी रिकॉर्डिंग है कि मैंने उसका आंसर किया हुआ। क्यों, आपका भी डाउट सेम रहता है, आपके पड़ोसी का भी, आपके इस पड़ोसी का भी, लगभग सबका डाउट तो उसी टॉपिक से रिलेटेड रहता है, तो सबके डाउट मैंने इस रिकॉर्डिंग में सेव कर रखे हैं। तो वो सबसे स्पेशल है जो कि शायद यूनिक बना दे यूनिक सिविल को डेफिनेटली, क्योंकि ये चीज सब नहीं कर सकते लाइव क्लास को रिकॉर्ड करना। तो मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा स्पेशल किया है। और इसके और दूसरी क्या खासियत है इसकी, अप्रॉक्स मुझे लगता है अगर इतने कोर्स आप सीखोगे तो अप्रॉक्स 35,000 से प्लस पे ही, इससे कम में तो नहीं, आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा जिसमें रेविट आर्ट, इसमें क्या क्या है, ऑटोकैड है, रेविट आर्टिचर है, रेविट स्ट्रक्चर है, और उसके बाद आपका और स्टैट प्रो है, आरसीडीसी है, स्टैट फाउंडेशन है, आरसी डिजाइनर है, ई टैब है, सेफ है, मैनुअल डिजाइनिंग है, एक्सेल डिजाइनिंग है, सारा कुछ है। और इसके अंदर जो जो है वो तो आप सिलेबस में देख लो क्योंकि वो बहुत बड़ा है। तो ये सब कुछ मिला के हम लोगों ने फर्स्ट जो हमारे 100 लड़के हैं, जो 100 स्टूडेंट्स हैं, उन सबको ओनली 5,500 में प्रोवाइड करने की सोचा है। कितने में, 5,500 में। मैं इतने में क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे कि लोगों तक पता चले कंटेंट, कंटेंट में एक्चुअल क्या होना चाहिए ये लोगों तक जाना चाहिए। तो 100 लोग जो कि आप में से ही लोग होंगे, वो लोगों को 100 लोगों को ये मिलेगा। और साथ ही साथ एक और अच्छी बात, कई लोग सोच रहे होंगे सर मैंने तो कोर्स ले रखा है ऑलरेडी, 80 लोगों ने ले रखा है, ये नए 100 लोग लिए हैं, तो वो लोग सोच रहे होंगे सर मेरा तो छूट गया ई टैब से। भाई मैंने सब कुछ ऐड कर दिया है, एंड इन फ्यूचर भी जो ऐड करेंगे उसका कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, सो घबराने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ इसमें आप डेली डाउट लेक्चर्स के लिए आ सकते हो, लाइफ टाइम एक्सेस कर दिया है इसका, मतलब इस कोर्स का एक्सेस ही हमने कर दिया लाइफ टाइम। सो अब आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगी, चाहे जब एक बार ले लीजिए ऐप में, जब आपका मन करे क्लास ओपन करिए, चाहे ऐप पर चलाइए चाहे लैपटॉप पर चलाइए, हर जगह इसकी फैसिलिटीज अवेलेबल है। इसके अलावा जितने कोर्स हैं सारे के सारे कोर्स का इंडिविजुअल आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट, बस उसके लिए काम करना पड़ेगा। जो भी सब्जेक्ट, जो भी आपको सॉफ्टवेयर का चाहिए सर्टिफिकेट, उसके दो प्रोजेक्ट करके दिखाने पड़ेंगे कि सर मैंने ये प्रोजेक्ट किया हुआ है, मेरे मेल आईडी पर सेंड कर दीजिए, 2 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। इतना सब कुछ है इस ऑल इन वन में। अब बताता हूं कि और इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। इसका बेनिफिट उनको हो सकता है जो लोग अभी किसी न किसी जॉब में है एंड दे वॉन्ट सम फ्रीलांसिंग वर्क, वो कुछ एक्स्ट्रा काम, चाहे मॉडलिंग का, चाहे स्ट्रक्चर का, चाहे प्लानिंग का, तो क्योंकि इसके अंदर तो सब है, चाहे ऑल इन वन का सबका ही काम करना चाहते हो, वो लोग कर सकते हैं। अपने ऑफिस जॉब के बाद 2 घंटे भी अगर लगाते हो तो महीने का 7-8-10 हज़ार रुपये तो मिनिमम है, ठीक है, वैसे तो ज़्यादा होता है, मिनिमम है। उन बच्चों के लिए जिनको पता नहीं कि मुझे कैरियर किस चीज़ में बनाना है, जो फ्रेशर्स सेमी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के बच्चे हैं, उन सब के लिए बहुत यूजफुल इसलिए है क्योंकि उनको अभी से पता चल जाएगा कि यार मेरा इंटरेस्ट इसमें है ना, तो मुझे इसी में कैरियर बनाना चाहिए। तो वो डेफिनेटली अगर मॉडलिंग में है तो रैबिट वाले इंडस्ट्री में घुसेंगे, और अगर उनका स्ट्रक्चर में है तो स्टैट, ई टैब और आरसीडीसी, सेफ, इन सब में वो एंट्री करेंगे, मैनुअल, एक्सेल, तो उनको मॉडलिंग और स्ट्रक्चर दोनों की एनालिसिस हो जाएगी। प्लस उन बच्चों की जो साइट पर है उनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अभी तो उन्हें स्विच करना है किसी तरीके से, पूरी का पूरा रिकॉर्ड है आपके पास, अब आपको जब मन जिस चीज को ओपनिंग आपको दिखती है, किस चीज को ओपनिंग है, और आप 1.5 से 2 हफ्ते पहले से थोड़ा बहुत तो रिकॉल रहेगा, 1.5 से 2 हफ्ते रिकॉल करो और जाके इंटरव्यू दे दो, मैक्सिमम चांस है कि आप साइट से ऑफिस पे आ जाओगे। तो इस कोर्स का यही मेरा एम था,
और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि इसको बनाने में मैंने बड़ी मेहनत की है। अप्रॉक्स 300 प्लस लेक्चर्स है, मतलब लेक्चर्स को अप्रॉक्स मुझे लगता है 200 प्लस होंगे, बट जो टाइम आवर्स है वो 300 प्लस आवर्स का है। तो बड़ा कोर्स है, अप्रॉक्स 6 मंथ का कोर्स है। आप इसको लेंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि आपको लेने के बाद कैसा लगा, सो दैट कि हमें भी लगे कि यार हमने मेहनत किया जो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकला। तो 100 बच्चे जल्दी से कर लीजिए रजिस्टर्ड, आपको केवल और केवल 5500 ही पे करना है और आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच, क्योंकि आप सब ने ही बोला था कि सर ऐसा कोई कोर्स बनाए जिसमें सब कुछ हो, तो सिर्फ आपके कमेंट्स को पढ़ के ही हमने ये चीज को माइंड सेट किया। और इस कोर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सिलेबस जरूर चेक करो, क्यों, क्योंकि सिलेबस में इतना कुछ है कि मैं उसको भी सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही साथ आशा करूंगा कि कोर्स भी अच्छा लगेगा।